Hey guys, welcome back to my channel. मैं रोहिणी once again आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आई हूँ और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आजियो हॉल के बारे में. और आजियो हॉल मतलब आज मैंने कुछ किड्स वेयर खरीदे हैं जो बहुत सारे हैं, सो सोचा आपके साथ शेयर करूँ. सो एक्चुअली ये किड्स वेयर आज शेयर करने का बहुत दिन से एक्चुअली आ गए थे, बट एक पार्सल जो है वो आया नहीं था. सो आई थॉट एक्चुअली आजियो में क्या होता है ना, सारी चीजें एक साथ नहीं आती हैं, एक 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 करके चीजें आती हैं. सो बेसिकली आई वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट प्रोडक्ट, सो वो होने के बाद फिर आई थॉट कि चलो आज वीडियो ऑफ कर देते हैं. फाइनली आज ही मैंने सुबह, इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ तो सुबह, एंड इफ यू आर वॉचिंग लेटर समवेयर आफ्टरवर्ड्स, तो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला है वो है मीशो साड़ी हॉल, बहुत अच्छा है, जस्ट गो एंड वॉच. एंड साथ ही में आज के जो कलेक्शन है वो बेस्ट कलेक्शन है, जैसे अभी आ रहा है विंटर, आ रहा है नहीं चल रहा है विंटर, मुझे विंटर बोलने से ठंडी लग रही है. सो अकॉर्डिंगली हमारे बच्चों के लिए, लाइक स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, मैंने गर्ल्स के लिए शॉपिंग की है यहाँ पे. सो मेरी बेटी जो है उसके लिए, शी इज 5 years old, सो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं. नॉर्मल कपड़े हैं, कुछ ऐसा बेसिक उसमें ऐसा मतलब बेसिक है, कुछ भी एडवांस या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली अच्छा वगैरह नहीं है. तो मैंने सोचा जस्ट मैंने जो जो खरीदा है वो आपको दिखाऊं. सो स्पेसिफिकली मैंने क्या किया है, मैंने कुछ पैंट्स खरीदे हैं एंड कुछ टी शर्ट्स खरीदी हैं. सो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ क्वालिटी एंड किस तरीके के मुझे प्रोडक्ट्स मिले हैं उसके बारे में, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉस्ट. अगर आप मॉल में जाके टी शर्ट या पैंट्स खरीदते हैं तो वहां पे, लाइक मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने मॉल में जाके सेम इसी ब्रांड के, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रांड दिखा है फ्रेंड्स करके, इसी ब्रांड के मैंने मेरी बेटी के जो शर्ट्स हैं टी शर्ट्स हैं खरीदे थे. मुझे वो 99, 120, 129, 149 ऐसे करके मुझे वो मिले थे. अकॉर्डिंगली डिजाइन अगर अच्छी हो तो उसका प्राइस भी अच्छा हो जाता, बट मुझे ये ऑलमोस्ट 70, 80, 90 के रुपीज में, लाइक 70, 80, 90 के हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट्स मिले हैं. 70, 80, 90 ज्यादा से ज्यादा 100, 120 इसके ऊपर क्या एक भी प्राइस नहीं है, एक भी इसके ऊपर नहीं है. सो अगर मैं बोलूं तो मैंने ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आई थिंक टोटल इन टोटल 15 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. एंड 15 प्रोडक्ट्स के हिसाब से मेरा रेंज भी ऑलमोस्ट 1300 या फिर 1400 तक की गया था, तो ज्यादा कुछ नहीं, तो मेरा बहुत कम के हिसाब से अच्छे से गए थे. इसमें से ना 2-3 प्रोडक्ट्स अभी नहीं है, एक पैंट धुली हुई है एंड एक टी शर्ट कहाँ है मुझे पता नहीं है. सो जो अभी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने आपको दिखाना शुरू कर रही हूँ. एंड सबके लिंक्स अगर आपको मुझे पॉसिबल होता है तो मैं आपको शेयर करूंगी, अदरवाइज ढूंढना पड़ेगा मुझे, इट विल टेक टाइम. ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इसी तरीके की हॉल्स, वीडियो, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल एंड बहुत सारी चीजें के हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियोस डालती रहती हूँ. अगर आपको देखना पसंद है कुछ रैंडम चीजें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली. सो फर्स्ट ये वाला जो टी शर्ट है 5 to 6 years, मुझे कुछ 90 rupees या 80 rupees के हिसाब से ही पड़ा है. सो यहाँ पे गर्ल एंड लाइक टू गर्ल्स की डिजाइन है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. विंटर्स के हिसाब से अभी आएगा, समर्स उसके भी हिसाब से, लाइक इट्स गुड, इट्स ओके. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वालिटी 70-80 rupees से की है तो क्वालिटी कुछ कम है वगैरह, नो. सो ये भी बेस्ट है. सो ये वाला था एक. देन इसके बाद मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ येलो कलर में. येलो कलर में मैंने जो लिया है वो अगेन इस टाइप का है. यहाँ पे इस तरीके की इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं, कुछ क्लाउड्स हैं एंड यहाँ पे हाउसेस हैं. सो ये एक था. देन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो एक ऑरेंज कलर का है. ऑरेंज कलर में यहाँ पे येलो कलर की डिजाइन से कुछ आइसक्रीम, कुछ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 6 years, आइसक्रीम एंड हैट एंड वो और कुछ बना हुआ है. सो बेसिकली ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. और सारे के जो यू नो साइज और जो डिजाइन्स थे बहुत यूनिक डिफरेंट थे एंड ऑन द गो रोज पहनने के हिसाब से थे, तो मैंने खरीद लिया. ये येलो कलर का एक और, क्या लिखा है इस पे, नॉर्मल इज बोरिंग. सो ये वाला एक है येलो कलर की आई थिंक. और मेरे से क्या हो गया, येलो कलर के मेरे से 3 टी शर्ट्स ऑर्डर हो गए, बट 3 ही बोलूंगी,
आई थिंक चार टी शर्ट्स मुझसे ऑर्डर हो गई हैं, बट डिजाइन्स अलग अलग हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो। सो एक है काइंडनेस काउनेस करके कुछ है, सो ये भी एक है इसमें से। सो चार येलो है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, तो फिर ठीक है चल जाएगा। मैंने सोचा वापस करने से अच्छा बच्चे पहन लेते। उसके बाद डोंट लुक बैक करके एक टी शर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली उसको बहुत पसंद आया, लुक बैक करती रहती है वो, सो ये उसको बहुत पसंद आया। एंड इसके बाद मैं आपको टी शर्ट्स दिखाती हूँ, साथ ही मैं फोल्ड भी कर देती हूँ, मतलब मेरा काम ईजी हो जाएगा। सो ये हो गया। देन एक और ये टी शर्ट है, ये मैंने वॉश भी कर दिया है, तो वॉश करने के बाद भी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल भी इसका प्रिंट नहीं गया है। देख सकते हो आपके किस तरीके से ये वॉश हुआ है, मतलब वॉश दिख रहा है आपको। सो मैंने इसको वॉश किया, लेकिन इसकी कोई भी प्रिंट वगैरह कुछ नहीं गई है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि श्रिंक हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, नथिंग। ये आई थिंक सो मैंने 5 to 6 ईयर्स के हिसाब से है, तो ये थोड़ा टी शर्ट टाइप है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एंड दिस कलर इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ बॉयिश है, बट या अच्छा लगता है, कुछ ऐसे भी कलर्स अच्छे लगते हैं। देन या टी शर्ट्स खत्म हो गए, आई थिंक सो टी शर्ट और है, एक दो है, बट अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं बिकॉज पता नहीं उसने यूज कर लिया कुछ तो भी। उसके बाद एक एक्चुअली ये पैंट है जो ये यूज कर चुकी है, मैं इसका बैक साइड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि खराब हो गई है, धोनी है मुझे इसलिए मैंने रखी है। आई थिंक इसको मैंने एक बार वॉश कर दिया है। सो ये एक पैंट है जो मैंने उसके लिए खरीदी, ये 3/4 है। देन उसके बाद एक और है जो इस तरीके में है, हार्ट शेप में, ऐसे हार्ट शेप की कुछ डिजाइन बनी है, वो एक है, वो मुझे अभी नहीं मिल रही है। एंड एक और हार्ट शेप वाली ही है जो ग्रे कलर की है, ग्रे कलर की एक और है। सो ये देखिए, ये वाली कुछ इस तरीके का, इसमें स्टार्स एंड ऑल प्रिंट बने हैं। सो ये रही हमारी एक दूसरी पैंट। देन ये वाली है रैंडम, लाइक वो नीचे जब जाती है ना खेलने के लिए तो मच्छर वगैरह काटते हैं, तो उस टाइप के हिसाब से आपको ये लॉन्ग पैंट सही रहती है, बच्चे नीचे जाके लाइक पैंट्स पहन के जाते हैं तो सही रहता है। सो बेसिकली ये मैंने उसी के हिसाब से खरीदा है, क्योंकि उसके पास ना पैंट्स थे ही नहीं, तो अभी टी शर्ट्स तो बहुत हो गई हैं, पैंट्स कम है, मैं एक दो और पैंट्स उसके लिए ऑर्डर करूंगी। सो एक और ये है येलो कलर, बेस्ट लगा मुझे ये भी कलर। सो ये एक है। सो या ये थी, और साथ ही में और दो हैं बट वो अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं, सो आई विल शो यू लेटर, और आई डोंट थिंक सो कुछ अगर उसकी लिंक्स होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, आई ट्राई टू शेयर द लिंक्स बिकॉज मेरा काम ही है वो, तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। तो यस, यही था आज का आजियो हॉल, किड्स वेयर हॉल। सो अकॉर्डिंगली मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक अलग से यूनिक प्रोडक्ट्स तो नहीं खरीदे, खरीदने वाले मैंने जैसे देखा कि पहले देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है, अकॉर्डिंगली फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी। सो अभी मैंने ये नॉर्मल रैंडम रोज के कपड़े खरीदे हैं, तो अभी मैं कुछ पार्टी वेयर एंड ऑल स्कर्ट्स वगैरह मुझे खरीदनी है, फ्रॉक खरीदने हैं। सो जब मैं वो खरीदूंगी तब मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगी। सो या दिस इज द वन, एंड उसके कपड़े अभी दिखा रही हूँ ना, तो वो आके बैठेगी ही वीडियो में। सो यस, तो यहाँ होता है हमारा वीडियो खत्म। कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के वीडियोस आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल को क्लिक करना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, एंड बाय बाय।